गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडे वी लर्न अबाउट द सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड वी लर्न सोल फॉर वाटरशिप एंड वी हैड सीन यस्टरडे फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ सोल फॉर वाटरशिप एंड दिस इज न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज फॉर जॉइंट न्यू फैमिली बिजनेस. दिस इज फॉर जॉइंट न्यू फैमिली बिजनेस विच इज ओन एंड मैनेज बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. Hindu and divided family. That means ancestral property, whatever they got that one, that would be not divided in next generations and they will run the business and they will, everything would be controlled by the eldest member in their family, that is called Karta. So we'll go through in this one. So you can see what would be the feature and merits of joint Hindu family business basically. The joint Hindu family business is which is old, अपना होता है, अपना मालिक होता है, जैसे सोल प्रॉपर्टीशिप होता है एंड मैनेज बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जो मैनेज की जाएंगे, जो मेन बॉस होगा वो तो करता होगा, बाकी जो भी मेंबर उसके फैमिली में है क्योंकि प्रॉपर्टी सारे लोगों की है, किसी के जैसे ग्रैंड फादर ने किसी की बिजनेस शुरू किया वो बिजनेस अभी भी अनडिवाइडेड है. उसके दो चाचा है तो दो चाचा हो गए, उनके फिर बच्चे हो गए, तो सारे उनके मेंबर हैं, सब लोग मिलकर बिजनेस करेंगे. यहाँ बहुत सारे बिजनेस, दिस इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड ऑनली दिस इस तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस इंडिया में चलता है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. जैसे यहाँ पे बहुत सी कंपनी, जैसे बिरला की बात करें, बिरला भी जो है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस पे काम कर रहा है. जैसे हम लोग टाटा की बात करें, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसे हम लोग यहाँ पे नवादा में देखें सागर मोला वगैरह, ये सब जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉलो कर रहा है एंड दे आर रनिंग द बिजनेस. हम अगले फीचर की बात करेंगे, इसके फीचर क्या है, इसके लक्षण क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, बोलते हैं कि फॉर्मेशन इसको जो कंपनी को ऐसी कंपनी को बनाना बहुत ईजी है. क्यों ईजी है? क्योंकि एटलीस्ट टू मेम्बर्स एंड एक्सेसिव प्रॉपर्टी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इसके लिए कम से कम दो आदमी है, एटलीस्ट टू मेम्बर्स, दो आदमी हो एंड एक्सेसिव प्रॉपर्टी, जो एक्सेसिव प्रॉपर्टी किसी को पेरेंट्स से मिलना हो, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना हो, उसे जो मिलता है एक्सेसिव, जो फैमिली से एक्सेसिव प्रॉपर्टी हो इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. इसके लिए तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो प्रॉपर्टी एंसेस्टर से मिलता है, जो उसके दादा परदादा से मिला हो, उसी को क्या करते हो, उसी को बिजनेस को कंटिन्यू करके इसको डिवाइड नहीं करते, अनडिवाइडेड होते हैं और सारे मेंबर उसके लिए क्या करते हैं, उसको बिजनेस को रन करते हैं. दैट विल बी द मैनेज एंड दैट बिजनेस विल बी द ओन ऑफ देयर फैमिली मेंबर. इसमें कम से कम दो मेंबर चाहिए, जैसे उसके दादा था, दादा के जो है दो बेटे हुए, तो दो मेंबर अपने बिजनेस को इसको रन कर सकते हैं, फिर उसकी फैमिली बढ़ती जाएगी. तो दैट विल बी द अनडिवाइडेड, सारे जितने मेंबर बनेंगे, जितने फैमिली मेंबर हैं सारे उसके जो मेंबर बनेंगे, बिजनेस रन होता रहेगा. दूसरी जो है इसके फीचर्स है कि लायबिलिटीज होती है इसमें, अगर से बिजनेस में लॉस हो जाता है तो कौन लायबिलिटीज देगा, कौन जो है इसको जो है इसकी लायबिलिटीज को कौन भरपाई करेगा, इसे डेट को कर्ज को कौन देगा. तो बोलते हैं लायबिलिटी अगर करता इज लिमिटेड करता, बोलते कि लायबिलिटी जो करता का होता है, करता बोलते हैं जो उसके मेन हेड होते हैं, जो मेन बॉस होते हैं उस फैमिली के, जैसे उनके दादा का पहले बॉस और उनके जो दादा का देहांत हो गया तो उसमें कौन बनेगा, उसके जो बड़े चाचे हैं वो जो है करता रहेंगे घर के, तो सारा चीज़ होगा. तो करता के जो लायबिलिटीज होगा अनलिमिटेड होगा, करता के लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगी, यानी सारा पार्टी सारी कंपनी के जो मेन बॉस हो हैं, तो अगर उसमें जो है लायबिलिटी कर्ज जो भी होता है उसी कंपनी पे, जो लॉस कभी हो जाता है या कभी गलत होगा, तो सारे लायबिलिटीज करता पे आएगा, सारी जिम्मेदारी उसकी है ये करेंगे. मेंबर पे जो है, जो मेंबर फैमिली मेंबर है उस पर जो है, जो को पार्टनर्स है एक तरह से, तो उस पर जो है पूरा लायबिलिटीज अनलिमिटेड नहीं होता. अगर जो कुछ शेयर है जितना उसको हिस्सा मिला उसमें से बोला जाए कि देखिए हमारे इस कंपनी में इस बार लॉस हो गया, यू विल पे दिस अमाउंट, तो उसको जो है अपना उतना ही पे करना होगा. लेकिन करता तो पूरा जिम्मेदारी है, कोई पे करे ना करे इनको करना है. दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटीज जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर, दैट इज कॉल्ड करता. कौन होता है? जो करता धरता होता, बोलते हैं हिंदू फैमिली बिजनेस में कि करता धरता हो गया, यानी जो है मेन बॉस वही है, तो जो एल्डेस्ट मेंबर होते हैं इंडर फैमिली में, दे विल टेक दैट पोजिशन, दैट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, दैट विल बी दैट इज कॉल्ड करता. इस बिजनेस के तीसरे जो है फीचर्स हैं कंटिन्यूटी, यानी हम लोग देखा था कि सोल प्रॉपर्टीशिप में सब कोई बिजनेस जो है सोल प्रॉपर्टीशिप करता है, अपना ऑनरशिप पे करता है, तो अगर जो उसकी जो है डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो बिजनेस खत्म हो जाता है. किसी ने जो है रिटेल शॉप खोला या सोने की दुकान खोला, अगर जो उसके जो है मेन मालिक का देहांत हो गया, उसके अगर जो बच्चे नहीं, उसको बिजनेस नहीं आता, तो बिजनेस खत्म हो जाता है, बंद होने के प्रकार से होता है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगा. क्यों रहेगा? कि अगर तक एक करता है सेल्स मेंबर टैक्स पोजिशन,
अगरचे उसके जो है जैसे उनके दादाजी पहले जो करता थे देखभाल कर रहे थे उनका दिमाग हो गया, तो उनके फैमिली मेम्बर में जो बड़े हैं जैसे बड़े चाचा तो जो है उनका कर्ता बन जाएगा और उनकी पोजीशन लेगा सारे चीज़ सीधे थिंग्स मैनेज कंट्रोल बिजनेस की बड़ी खासियत है। और चौथा फीचर इसके माइनस मेम्बर्स जो छोटे में माइनस मेम्बर होते हैं, अब जैसे बिजनेस में हम लोग देखा कि ग्रैंड पेरेंट्स शुरू किया था उनके जो फिर फादर हुए, फादर के बाद फिर उनके जो है बच्चे हुए, अब उनके फिर बच्चे हुए, ये होता होगा उनके यानी माइनस मेम्बर जो भी फैमिली यानी जो भी उसके फैमिली में बच्चा बॉर्न हो रहा है उस फैमिली का हिस्सा बन गया और उस बिजनेस में जो पार्टनर बन गया वो बिजनेस में उसका भी हिस्सा मिलेगा क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। इसमें जो है जो भी मेम्बर्स है तो माइनर मेम्बर्स मेम्बर बैठे तो माइनर भी छोटा बच्चा भी उसमें उसका मेम्बर है और उसको भी उसका हिस्सा मिलेगा। ये बिजनेस के सारे फीचर्स हैं। इस बिजनेस में जो है जॉइंट फैमिली बिजनेस की कुछ मेरिट्स हैं। द मेरिट्स और फर्स्ट ऑफ ऑल द मेरिट्स इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मैनेज करना सोल प्रोपरेटरशिप ना वो अकेला आदमी हो जाता है क्योंकि इसमें आपके लिए सब करना पड़ता है, अपना कैपिटल भी लगाना पड़ता है, अपना रेंट भी चुकाना पड़ता है, उसको सैलरी वेजेस भी देना पड़ता है, आप सारा चीज़ रिस्क लेता है, मेहनत खुद करता है तब उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ भी जो है फैमिली बिजनेस है सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो अपने जो सब अपने लोग होते हैं इसको इफेक्टिव कंट्रोल होता है, इसकी मैनेजमेंट है सारे अपने जो घर के एल्डेस्ट मेम्बर है वो उनका बॉस है, वो उनका मैनेजमेंट सारा वो हैंडल कर रहा है, तो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि सभी फैमिली मेम्बर सबका ऑब्जेक्टिव सेम होता है और सभी लोग चाहते हैं कि बिजनेस को रन करें, हम लोग जो है आगे ग्रो करें एक्सपेंड करें, तो जो इफेक्टिव मैनेजमेंट करता है इफेक्टिव कंट्रोल होता है बेसिकली। इसके लिए कुछ बोलते कि बिजनेस के लिए हम लोग बात करें कि 4M का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी बिजनेस के लिए हम लोग बोलते हैं 4M, तो मैन का होना जरूरी, आदमी चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, फिर मनी होना चाहिए, ठीक है। तो जॉइंट इन फैमिली में मैन होता है, मनी की थोड़ी सी अपना फैमिली मेम्बर होता है सब कंट्रोल हो जाता है, मनी भी जो एंसेस्टर से मिलता होता है, एंसेस्टर को पट्टी जो मिलती है उसको उसी को जो है यूटिलाइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं बिजनेस को। फिर मटेरियल जो है जरूरी होती है बिजनेस के लिए, मैन मनी मटेरियल और मैनेजमेंट, ये चार लेन को जो है अच्छे से किया जाए तो ये बिजनेस में जॉइंट इन फैमिली बिजनेस में सारे चीज मिल जाते हैं, लोग को मैन मिल जाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर सब लोग एक साथ काम करते हैं, इसलिए इफेक्टिव कंट्रोल हो जाता है, एंसेस्टर को पट्टी मिल जाती है, मनी वहाँ से मिलता है लोग को और मटेरियल अपना जो है इन लोग को बहुत पुराने बिजनेस होता है, इन लोग को सबको मालूम होता है कि हमारा क्या प्रोडक्ट है कैसे बनाना है, मार्केट मिल जाता है और मैनेज करना भी बचपन से सीखा होता है, मैनेज वेरी इफेक्टिवली। तो हम लोग बात की जितने ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जैसे कि हम लोग बात किया बिरला की, बिरला जो है इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी में हिसाब है, जो ऐसे बिजनेस जो कोई रन नहीं कर पाता, जो क्लोज डाउन हो जाता है, ऐसे बिजनेस को लोग रन कर देता है और ऐसे बिजनेस को देता है नॉलेज एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। वैसे बहुत सारे बिजनेस है जो जॉइंट फैमिली फैमिली बिजनेस के इंडिया में आगे रन कर रही है। हम लोग बात करें इसके लिए दूसरे मेरिट्स की कंटिन्यू बिजनेस एक्सिस्टेंस, ऐसे बिजनेस में क्या होता है कंटिन्यू होते हैं, हम लोग यहाँ इसके फीचर में भी देखा किसी में कंटिन्यूटी होती है कि बिजनेस खत्म नहीं होता, अगर जो उसके फैमिली मेम्बर में किसी का जो जो करता है अगर जो उनका इनकम कुछ हो जाता है, देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो बिजनेस को कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि दूसरे लोग उसके जो पोजीशन को ले लेंगे, ये कंटिन्यूटी हमेशा आएगा। तो जॉइंट फैमिली बिजनेस हमेशा सालों से चलता रहा है, दो तीन पीढ़ियाँ तक ये चलती रहती है। फिर हम लोग तकनीकी का बात करें तो इसमें जो है रिटर्न मेरिट्स है कि लिमिटेड लाइबिलिटीज, हम लोग देखते हैं कि इसमें लाइबिलिटीज है जो डेट होते हैं, सिर्फ जो है कर्ता पे जिम्मेदारी आती है क्योंकि सारा डीलिंग कर्ता पे आता है, क्योंकि मेन बॉस वही होता है कि कितना डेट है, कहाँ कर्ज है, ये सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। जो मेम्बर्स है मेम्बर को क्या होता है सिर्फ अपना शेयर मिलता है, मेम्बर पे लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है क्योंकि इसको जो है अगर लॉस हो जाता है बिजनेस में या कुछ कर्जा देना है किसी को तो बहुत लिमिटेड है, सबका जो हिस्सा आएगा जो शेयर आएगा वही देना होता है, लेकिन कर्ता पे जो है अगरचे लॉस हो जाता है तो इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, अगर चाहे जो कंपनी के करोड़ के लॉस हो गया तो उतना एसेट भी नहीं हो पा रहा, उतना उसके पास मटेरियल नहीं है, उतना उसके पास इन्वेंट्री नहीं है, तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी देकर जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा कर्जों, क्योंकि कर्ता जो है साइन सिग्नेटरी है ऑथराइज पर्सन, तो बाकी लोगों के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फोर्थ बात है कि इंक्रीज जॉइंटली कॉर्पोरेशन, इसमें सारे फैमिली मेम्बर होते हैं तो सभी लोग एक दूसरे को जो है जानते हैं अच्छे तरीके से, तो ये लॉयल्टी बहुत अच्छी होती है, लॉयल्टी बोलते हैं कि दे एक दूसरे पर भरोसा रखता है, दे हैव इंटीग्रिटी एंड दे वुड बी लॉयल एंड दे आर वर्किंग टुगेदर एंड दे कैन ट्राई टू अचीव देयर गोल्स, सो इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इट इज वेरी सक्सेसफुल एंड दिस मैंने दिस काइंड ऑफ बिजनेस ऑनली इट इज एप्लीकेबल इन इंडिया ओनली एंड दिस इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। इन द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस विल लर्न एंड विल स्टडी अबाउट द पार्टनरशिप।
के पार्टनर बताया था।